हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विथ आरएनडी। दोस्तों, आज मैं एक और स्पेशल रेसिपी पेश करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है मखाना का चखना। तो चखना सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। दोस्तों, ये रेसिपी है ही उतनी मज़ेदार। दोस्तों, आप इस रेसिपी को मखाना का चिवड़ा नाम से भी बुला सकते हो। अब आप पूछोगे मैंने मखाना ही चूज़ क्यों किया, तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, मखानाज आर वेरी हेल्दी। दोस्तों, मखानास को अंग्रेजी में फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। मखानास आर ग्लूटेन फ्री, प्रोटीन रिच एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर लो इन कैलोरीज, मेकिंग देम एन आइडियल स्नैक्स फॉर वेट लॉस। मखानास आर लो इन कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड सोडियम, हेंस इट्स एन आइडियल स्नैक बिटवीन द मील्स। मखानास आर बेनिफिशियल फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी ड्यू टू देयर हाई मैग्नीशियम एंड लो सोडियम कॉन्टेंट। मखानास आर रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक्स टू ड्यू टू देयर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब आप पूछोगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? It's a figure representing the relative ability of carbohydrate food to increase the level of glucose in the blood. Makhanas contain one natural flavonoid called kaempferol, which helps prevent inflammation and aging of the body. तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने 300 ग्राम मखाना लिया हुआ है। मैंने लगभग आधी कटोरी मूंगफली के दाने लिए हुए हैं। मैंने एक आधा सूखा नारियल, जिसको मैंने बारीक पीसेस में काट के लिया हुआ है। मैंने एक टेबलस्पून लाल मिर्च ली है। मैंने 8 से 10 करी लीव्स लिए हुए हैं। मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, आधा टेबलस्पून जीरा, आधा टेबलस्पून हिंग, आधा टेबलस्पून राई, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में बटर ऐड करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, मखानास को अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए अगर आप मखानास को किसी नमकीन चीज़ के साथ मिलाते हो तो मखानास को नमकीन टेस्ट आ जाएगा, और मखानास को अगर आप किसी मीठी चीज़ के साथ मिलाते हो तो मखानास को मीठा टेस्ट आ जाएगा। आप बटर के बदले न्यूट्रालाइट का लो कैलोरी बटर भी यूज़ कर सकते हो, जिसके क्लासिक फ्लेवर गार्लिक और ऑरिगेनो, पुदीना एंड कोरिएंडर फ्लेवर्स काफ़ी मशहूर हैं। हमें सिर्फ मखानास को एक नमकीन टेस्ट देना है, इसलिए हमने बटर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मखानास को हमें लगभग 15 से 20 मिनट तक रोस्ट करना है, इसलिए हम गैस को मीडियम से हाई फ्लेम पर रखेंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। मखानास अब रोस्ट हो चुके हैं। अब हम फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, हम उसमें तड़के के लिए जीरा ऐड करेंगे, फिर हम हिंग ऐड करेंगे, राई और हल्दी पाउडर, करी लीव्स, मूंगफली के दाने और सूखा कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे। हम अच्छे से चलाते रहेंगे, फिर हम लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक ऐड करके फिर से अच्छे से चलाते रहेंगे। अब हमने जो रोस्ट किया हुआ मखाना साइड में रखा था, हम वो पैन में ऐड करके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक मखानास को यूं ही रोस्ट करते रहना है, ताकि सारे नमकीन और स्पाइसी फ्लेवर्स मखानास में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो लगभग 10 से 15 मिनट बाद हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। हमें अच्छे से चलाते रहना है और गैस को हम मीडियम से लो फ्लेम पर ही रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा मखाना का चखना यानी कि मखाना का चिवड़ा अब रेडी है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, यमी क्रेविंग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।